पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर क्षेत्र के लोगों से सीधे संवाद करने के लिए गौतम कनेक्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत सांसद गौतम गंभीर आज प्रीत विहार पहुंचे और लोगों की समस्या सुनी और उसके समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गंदे पानी, सीवर, प्रदूषण और पार्कों की समस्याओं को स्थानीय निवासियों ने सांसद के समक्ष रखा। 1980 बनी थी, सिंस 1980 टिल टाइम हमारा जो सीवर कनेक्शन है, इट्स नॉट बीन कनेक्टेड टू द मेन सीवर लाइन, जिसकी वजह से हमारा सीवर सेल्फ कंटेन्ड रहता है। तो इफ इन केस यू कैन हेल्प अस कि हमारा सीवर का कनेक्शन मेन लाइन से हो जाए। और वहाँ पे हाउस टैक्स 4 गुना बढ़ा दिया है, 4 गुना हाउस टैक्स देने के लिए, क्योंकि अभी अभी लोग कोरोना से उठे हैं, तो अभी अभी लोगों की जो है ना हिम्मत नहीं है 4 गुना हाउस टैक्स देंगे, उसको भी आप देखें। इंस्पेक्टरों को आप किसी की भी दुकान पे जाके सर्वे कर सकते हो, जबकि जीएसटी पहले से सवाया आ रहा है, टैक्स जो है पहले से ज्यादा आ रहा है। सांसद गौतम गंभीर ने बताया कि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को जानने और उसके समाधान के लिए उनकी तरफ से गौतम कनेक्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने प्रीत विहार के RWA पदाधिकारी और स्थानीय लोगों से बातचीत की। ज्यादातर लोगों ने गंदे पानी, सीवर और प्रदूषण की समस्याओं को रखा, जिसके समाधान के लिए उनकी तरफ से संबंधित अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। गंभीर ने कहा कि इन सभी समस्याओं के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए कुछ नहीं किया, लोग आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर गौतम गंभीर ने CM केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 साल बाद स्कूल खुला है और वो भी प्रदूषण के लिए बंद करना पड़ा, जो शर्म की बात है। देखिए, बहुत समस्या है, आप लोग भी यहीं पर थे, आपने भी सुनी होंगी कि सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है पानी की यहाँ पर, और पूरी सिर्फ इधर ही नहीं, पूरी ईस्ट दिल्ली में। और मैं बार बार ये सवाल उठा चुका हूँ अर्बन डेवलपमेंट कमेटी में भी, CEO को भी, कि आप आके देखिए, आप चुनाव जीत चुके हैं, ठीक है, आप चुनाव जीते थे, आपने दिखाया भी दिल्ली की जनता को कि किस तरीके से हम साफ पानी दे रहे हैं, तो यहाँ पर आके लोगों के बीच में आके देखिए किस तरीके का पानी है। और साफ पानी अब तो दे सकते हैं, अब तो आपके पास 4 साल हैं, कम से कम इतना हम कर सकते हैं दिल्ली की जनता के लिए, जो हम अपने आप कहते हैं कि हम दिल्ली के बेटे हैं, इतना, सिर्फ इतना कि साफ पानी तो दे सके अपने बच्चों को और साफ हवा तो दे सकते हैं। चले, हवा में तो वक्त लगेगा, 1 दिन में या 1 साल में ठीक नहीं होगी, साफ पानी तो दे सकते हैं। पानी के अलावा और क्या समस्याएं सामने आई? डेवलपमेंट की समस्याएं हैं, डेवलपमेंट हम करवाते रहेंगे और ज़रूरी, चाहे वो रोड्स की डेवलपमेंट हो, चाहे वो पार्क्स की डेवलपमेंट हो, ये सारा हमारा काम है। और आगे आप देखेंगे भी किस तरीके से हम यहाँ पर डेवलपमेंट करवाएंगे, जैसे अभी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमने अपग्रेड कराया, साथ ही में हेडगेवार पटपटगंज में जो पार्क है उसकी भी अपग्रेडेशन शुरू हो जाएगी, साथ में लक्ष्मी नगर में भी जो मिनी स्टेडियम है उसकी भी हम शुरू करवाएंगे, साथ ही में जो यहाँ पर RWA के बीच में पार्क्स हैं उनकी डेवलपमेंट भी करवाएंगे, रोड्स भी बनवाना ज़रूरी है। देखिए, MP लाट से सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है कि MP लाट नई रोड्स में लग सकता है, रिपेयर में नहीं लग सकता, तो जो रिपेयर जो नहीं बननी होंगी रोड, वो MP लाट से बनवाएंगे हम। देखिए, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है दिल्ली के लिए, 2 साल से बच्चे ऑनलाइन घर में बैठे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, जब खुलने का वक्त आया तो आपको पोल्यूशन की वजह से उनको घर पर बिठाना पड़ गया। आपको लगता है सोल्यूशन ये है कि जो बच्चों को रेड लाइट पर खड़ा करके तख्ती पकड़ा के ऑन एंड ऑफ करवाना गाड़ी, ये सोल्यूशन है? और अब वो भी अपनी फ़ोटो लगा के उसमें, और आपको 6 साल बाद मुख्यमंत्री बनने के 6 साल बाद भी आज ये सोल्यूशन है आपके पास कि आप लॉकडाउन कर रहे हैं, बच्चों को घर में बिठा रहे हैं। पिछले 6 साल से आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कितना पैसा खर्च किया, सवाल पूछे जाइए आप हमसे, उनसे भी पूछिए ना, कितने DTC बसेस पे इन्वेस्ट किए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किए, कितने फ्लाईओवर्स बनवाए हैं।